आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया महिला दिवस मना रहा है, लेकिन कितना दुखद और शर्मनाक है कि जेएनयू की लड़कियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा किस तरीके का बयानबाजी करते हैं। अभी एक अखबार में मेरा एक फ़ोटो एक लड़की के साथ खींचा गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या इस देश में फ़ोटो खिंचवाना भी अपराध हो गया है? ये जो महिलाओं के ऊपर हमला है और उस फोटो के बाद लगातार जो संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जो जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, वो उसको फैला रहे हैं, इस वजह से उसको और उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। आप बताइए, इस देश में हम महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, देवी को पूजे जाने की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भारत माता की जय होनी चाहिए, तो क्या किसी लड़की के ऊपर इस तरह से अत्याचार करना, उसको मानसिक तनाव देना, ये उसकी आज़ादी पर हमला नहीं है? क्या ये भारत माता की जय है या पराजय है, आप लोग ही निश्चित कर लीजिए। मुझे लगता है कि जेएनयू के बहाने इस देश की तमाम महिलाओं के ऊपर एक हमला किया जा रहा है, उनकी आज़ादी को छीनने की कोशिश है, और इस कोशिश में वो नाकाम होंगे, क्योंकि जेएनयू को बचाने की लड़ाई इस देश में समानता, हक, अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। आप बताइए, इस देश में हम महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, देवी को पूजे जाने की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भारत माता की जय होनी चाहिए, तो क्या किसी लड़की के ऊपर इस तरह से बयानबाजी करते हैं? अभी एक अखबार में मेरा एक फ़ोटो एक लड़की के साथ खींचा गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या इस देश में फ़ोटो खिंचवाना भी अपराध हो गया है? ये जो महिलाओं के ऊपर हमला है और उस फोटो के बाद लगातार जो संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जो जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, वो उसको फैला रहे हैं, इस वजह से उसको और उसकी फैमिली। आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया महिला दिवस मना रहा है, लेकिन कितना दुखद और शर्मनाक है कि जेएनयू की लड़कियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा किस तरीके का अत्याचार करना, उसको मानसिक तनाव देना, ये उसकी आज़ादी पर हमला नहीं है? क्या ये भारत माता की जय है या पराजय है, आप लोग ही निश्चित कर लीजिए। मुझे लगता है कि जेएनयू के बहाने इस देश की तमाम